चाहे जो मजबूरी हो, कार्रवाई सर, कोई उस सरकार पे छोड़ देता है, कोई उस सरकार पे छोड़ देता है। जो लोग की 5-10 साल की बची हुई है, इनको 60 साल तक बिना शर्त नौकरी दिया जाए। 1962 में जब युद्ध होया था चीन के साथ, उस टाइम होमगार्ड की अहम भूमिका थी, लेकिन आज उन्हीं अहम भूमिका की दुर्गति हो रही है। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में, जहाँ पे एक प्रकार का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना प्रदर्शन है होमगार्ड्स के द्वारा। जी हाँ, होमगार्ड्स वो होते हैं जिनकी बहाली की जाती है, वो काम करते हैं पूरे 365 दिन, उनको कभी उनको वेतन मिलता है और कभी नहीं वेतन मिलता। आज ये धरना किया गया है दिल्ली के होमगार्ड द्वारा। 1998 में इनकी बहाली की गई थी, लेकिन आज वो बेरोजगार हैं। अब उनकी सरकार से क्या मांगे, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ है उनकी मांगे दिल्ली सरकार से। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार कोशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। सुरेश जी, ये बताइए, ये धरना प्रदर्शन किस प्रकार पे, आज क्या वो है कि आपको यहाँ जंतर मंतर में धरना करना पड़ रहा है? आज नहीं, हम तो 20 सालों से आ रहे हैं, आज की नई बात है। हम 98 से लेकर अब तक होमगार्ड निकाल दिए गए थे, और उन निकालने के बाद पूरे देश में वापसी हो चुकी है। पूरे देश में 6 लाख होमगार्ड हैं, लेकिन दिल्ली में अब तक, ये जो हिंदुस्तान की राजधानी है, आज तक इसमें वापसी नहीं हुई, वो पूरे देश में वापसी हो गई है। और क्योंकि ये भारत सरकार के 17 जून 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे, जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है, 45 दिन की ट्रेनिंग करके उनको अन्य विभागों में भेजा जाए। 1962 में जब युद्ध होया था चीन के साथ, उस टाइम होमगार्ड की अहम भूमिका थी, लेकिन आज उन्हीं अहम भूमिका की दुर्गति हो रही है। जिनने 10 साल नौकरी करी है, 15 साल नौकरी करी है, हमारी उम्र तो सरकार ने ले ली, जब हमारी उम्र चली गई तो अब सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिए। जब पूरे देश में बहाली हो चुकी है, 17 जून 1984 में भारत सरकार ने आदेश हुए हैं, 66 में भी आदेश हुए हैं, 66 में भी ये दिया गया भारत सरकार ने, जितने भी होमगार्ड है इनको रेलवे को संभालेगी होमगार्ड, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। 1993 में भी हम इसने भारत सरकार ने आदेश किए थे, इन्होंने बोला था अब ये सिक्योरिटी कम की जाए और होमगार्ड को आगे बढ़ाया जाए। होमगार्ड क्या काम नहीं कर रही थी, हर एक काम कर रही थी, क्योंकि इनको 45 दिन की ट्रेनिंग दे गए, इनको सारा काम थाने में ड्यूटी कर रहे थे, किसी ने 10 साल नौकरी करी थाने में, किसी ने 15 साल की ट्रैफिक में भी की, FCI में भी करी, MTL में भी करी, रेलवे में भी करी, कौन सा विभाग है जो दिल्ली सरकार भारत सरकार का। इतने वक्त से आप कह रहे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप करते आए हैं, तो उसकी कुछ सुनवाई हुई अब तक? सुनवाई तो कुछ नहीं, मीटिंग हो रही है, अब LG साहब के वहाँ भी मीटिंग थी, होम सेक्रेटरी के वहाँ भी मीटिंग थी, ये तो गोली देते आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मालूम है कि हम होमगार्ड को लेंगे क्या मिलेगा, ये भी प्राइवेट सिक्योरिटी है, इनको आगे बढ़ा रखा है, और वहाँ से कमीशन मिलता है प्राइवेट सिक्योरिटी से, होमगार्ड से क्या मिलेगा। और इन्होंने 6 मार्च 2018 को हाईकोर्ट ने भी आदेश करे, हाईकोर्ट ने आदेश करे थे, वही 17 जून 1984 जो भारत सरकार के आदेश है, उन आदेश सौंपे, इन आदेश करे, हाईकोर्ट ने आदेश करे थे, और उन्होंने फिर हमने कैंडम टू कोर्ट लगाया, 9/4/2019 को भी आदेश हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश करे, लेकिन ये 22 आ गया है, और हमने 20 सालों से हम एक ही मांग मांग रहे हैं, बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए। जैसे ही वो होमगार्ड की दिल्ली की स्टैंक है 10,285 है, लेकिन जब से हम निकाले हैं आज तक पूरे पद नहीं भरे गए हैं, 10,285 स्टैंक है, लेकिन जो लोकसभा क्वेश्चन है 2002 का, उसमें बताया कि 17,505, जब स्टैंक 10,285 है तो 17,505 कहाँ से आ गई। और इसी तरह 2003 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया, और उसमें बताया गया कि अन्य विभागों में भर्ती करने के लिए कार्रवाई चालू हो गई है, लेकिन 2010 में गृह मंत्रालय से लेटर आया, भाई आपकी जो फाइल थी वह नष्ट कर दी गई है। 99 में हाईकोर्ट ने आदेश करे, और उस हाईकोर्ट में कहा भाई CND ग्रुप द्वारा आदेश करे हाईकोर्ट ने, इनकी एक पॉलिसी बनाई जाए, 18/4/2000 को पॉलिसी बनाई दिल्ली होमगार्ड के, दिल्ली सरकार ने वो पॉलिसी बनाने के बाद उन्होंने 2003 में बताया कि हमने इनकी फाइल नष्ट कर दी गई है, और 5/6/2008 में जब इन्होंने राजपत्र बनाया, भारत सरकार का आदेश होता है जब ये LG साहब है ओके, वहाँ से राजपत्र बनता है, इन्होंने राजपत्र बनाया, इन्होंने जो आदमी 1969 में भर्ती होया उनका कानून था 4th, 5th, 8th उस समय 1969 के राजपत्र में, लेकिन 5/6/2008 के राजपत्र में जो 9 मैट्रिक थे उनको अलग कर दिया, 9 मैट्रिक का जिक्र नहीं किया, उसमें कमेटी बना दी, वो कमेटी को कहा इसकी जांच करो, लेकिन वह जांच आज तक नहीं हुई।
मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एस दहिया, रजिस्टर नंबर 34987। हाँ जी, तो ये धरने का कारण क्या है? जैसे कि हमने सुना कि इतने टाइम से धरना प्रदर्शन चल रहा है जी, लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है, बहाली नहीं हो रही है। जी सर, ये होमगार्ड जो है दिल्ली के अंदर, ये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन है। तो जब जिसको 5, 10, 15 साल नौकरी किया है और उनको केंद्र सरकार को सेवामुक्त कर दिया या निकाल दिया, तो उसको सरकार को एक आदेश 1984, 1966, 1993 में बनाया था, जिस जवान को 3 साल अच्छी तरह नौकरी कर लिया उसको 5 भाग दिए, जैसे मार्शल में, जेल वार्ड, दूरसंचार, मतलब 5 है, उनमें नौकरी दिया जाए। तो ये राज्य सरकार का कार्य है। तो राज्य सरकार हमारी अभी है आम आदमी पार्टी, तो उससे हम ये आज अपील लेकर आए हैं, जो लोग की 5-10 साल जो बची हुई है इनको 60 साल तक बिना शर्त नौकरी दिया जाए। और भारत सरकार से हमारा ये है, जो हमारा ये संविधान बनाया है कि स्वैच्छिक कुछ दिन अपने रखे और फिर ट्रेनिंग दे के छोड़ दिया, बेरोजगारी ना बढ़ाया जाए, उसमें अमेंडमेंट करके भारत के संविधान 309 में, तो हमें मानव अधिकार और भारत के संविधान के जो भी अनुच्छेद है उनका लाभ दिया जाए। हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि आज़ाद भारत में आज सबसे बंधुआ मजदूर है वो होमगार्ड है। तो राज्य सरकार को आपने पत्र लिखे तो उसका कोई जवाब नहीं है? कोई जवाब नहीं है। राज्य सरकार, जैसे हम राज्य सरकार के पास गए तो उन्होंने कोई जवाब आज तक ऐसे संतुष्ट नहीं दिया। दिया उसने पहले दिया था कि हमने कुछ लोग वापस लिए, हमने कहा आपने वापस लिए लेकिन सब लोग नहीं लिए, छोड़ दिए। जो मैट्रिक पास थे वो अस्थाई, वो भी लिए नहीं, अस्थाई मार्शल के में लगाए। कुछ लोग हमारे रह गए थे जो उसी एक्ट से भर्ती हुए थे, वो कम पढ़े लिखे थे, जैसे 8 था या मिडल था या 5 था, तो उनको 60 साल पूरी किया जाए। जो शेष बच गए 1000, उनको भी लिया जाए किसी डिपार्टमेंट में भी। तो हमारी यही मांग है, आज मैं 53 साल की उम्र है और मैं भी इसीलिए लड़ रहा हूँ जो मेरे को दोबारा वापसी लिया जाए। बहुत चंद्रपाल जी, आम आदमी पार्टी को दोषी मानते हैं, जैसे सर ने बताया कि आम आदमी पार्टी भर्ती नहीं करवा रही, लेकिन 6 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी आपने शायद मांगे उठाई होगी। सर जस्ट कार्रवाई, सर कोई उस सरकार पे छोड़ देता है, कोई उस सरकार पे छोड़ देता है। सर पीछे क्या हुआ था? पीछे लिए गए थे, पीछे जो है हमारे 6ठी क्लास 5वीं क्लास जो बंदे थे, जो उनको छोड़ दिया और 10वीं वालों को ले लिया, नहीं तो उनको सबको लिया जाना चाहिए था। सर आज हम पटरी पर यहाँ बैठे हुए हैं इसी कारण बैठे हुए हैं, हमारे साथ दो तरफ बात हुई है, नहीं तो सबको लिया जाता। सर सर आप कितने साल नौकरी कर चुके हैं होमगार्ड की पहले? मैं सर 6 साल कर चुका हूँ, पहले 3 साल फिर निकाल देते थे। कौन से सन? सन 2099 का भर्ती था सर। अच्छा, तो निकाला कब था आपको? सन 2003 में सर। 2003 में, उसके बाद से आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन? हाँ सर। उसके बाद से कोई आपको सुनवाई नहीं? सुनवाई हुई सर। तो हम क्या चाहते हैं वापसी? हम वापसी चाहते हैं सर, बिगड़ शर्त के। जैसे कि सर ने बताया कि बाकी राज्यों में भर्ती हो गई। हाँ सर, वहाँ वापसी हो गई है। ऐसा है, भर्ती नहीं हो रही? नहीं हो रही सर। तो किसको दोषी मानते हैं? सर सरकार को या फिर सेंटर? सर दोनों ही, वे उस पर थोप देती है, वो उस पर थोप देती है। ये सरकार दिल्ली सरकार करेगी, ये या राज्य वे सरकार करेगी। तो आपने किसी अधिकारी से बात की? सर हमारे जो अभी अध्यक्ष है वही बात कर रहे हैं। जिस तरह हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जंतर मंतर में एक धरना प्रदर्शन हो रहा था होम गार्ड्स के द्वारा, जहाँ उन प्रावधान है 3 साल के काम लेने का, लेकिन उनसे 10 साल काम लिया गया और बिना किसी नोटिस के उन्हें निकाल दिया गया। जी हाँ, और अब वो बहाली के लिए यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी बहाली की जाए। यहाँ कुछ लोगों, अब एक नियम रखा गया है कि वहाँ पे फिजिकली और मेंटली इस तरह से एक्टिव होना चाहिए, पर उस वक्त जिसकी उम्र 34 साल थी आज वो 55 वर्षीय हैं, तो क्या इस तरह वो फिट रह सकते हैं? क्या उन्हें काम में वापस लिया जा सकता है? और सरकार का ये भी कहना है कि उन्हें 10th पास और 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या इनकी मांगे सुनेगी, क्या केजरीवाल सरकार या हमारे प्रधानमंत्री इनकी मांगों को सुन पाएंगे और उनके लिए कुछ कर पाएंगे। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ होता है इनके इस धरने प्रदर्शन का नतीजा। कैमरा पर्सन उत्कर्ष के साथ सुनीता तिवारी, जंतर मंतर, दिल्ली।